जब उसके बाद सेबी के डिस्क्लोजर के पूरे नॉर्म्स हैं, जो चेयरमैन के लिए डिस्क्लोजर के नॉर्म्स हैं, जी या कह रहे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में डिसीजन से अलग होना है, सेबी ने साफ कह दिया कि जो चेयरमैन ने अपने उन सारे नॉर्म्स को पूरा किया। तो अब उसके बाद एक रिपोर्ट को लेके, अच्छा दूसरी बात, इंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है, मैनुपुलेटर है, छोड़ उसको हम कुछ नहीं कहना चाहते, वो मार्केट ने उसको सही जवाब दिया है। हमें कांग्रेस से सवाल है कि आप बार बार देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर कुठाराघात करने वाली जी एजेंसी अग्रवाल जी, साथ रुकिए एक मिलकर बार। क्यों अग्रवाल जी, काम? अग्रवाल, गोपाल जी रुकिए नहीं। हाँ, अब अर्शप्रीत जी क्या जवाब देना चाह रहे थे आप बताइए। मैं ये बात कह रहा था, इन्होंने बड़े अच्छे से कन्वीनियंटली कहा कि जी सेबी जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और कर दिया इन्वेस्टिगेशन जब है, कर रहा कर था, दिया एक है, सेकंड एक बाईस सेकंड एक सेकंड सुन एंटिटीज को लीजिए कर दिया मेरे है, साहब, सुन लीजिए। कर रहा था हाँ, नहीं ना, कर मैं दिया है, आपकी बाईस आपकी एक एंटिटीज आदत है को। ना, पार्लियामेंट में भी आप आवाज दबाने की कोशिश करते हो ऑपोजिशन की, यहाँ पे तो साहब मत कीजिए, सुन लीजिए। बात यह है कि आपने 24 कंपनीज, 24 मैटर्स और 24 कंपनीज का जिक्र किया, 22 आपने बता दिया कि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई है, कंक्लूड हो गई है, और दो के बारे में आपने बताया कुछ नहीं सर। पर आपने ये भी नहीं बताना चल ठीक रही है ना समझा कि उसकी अगर एक लगेज सेकंड ना लगेज सुन लगेज लीजिए, तो इतना टाइम क्यों हो गया है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा था कि अरे एक्सपेडिशियस हर्षद इसको मेहता क्योंकि का जल्द आपने से कितने जल्द, साल अरे में साहब जो सुन लीजिए ना, इन्वेस्टिगेशन या किया? तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लेता हूँ, या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लेता हूँ, आप डिसाइड कर लीजिए। एक एक करके बोलिए, दोनों लोगों में से एक एक करके, जिससे दर्शक समझ सके। देखिए मतलब मामला थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन में टाइम टेक्निकल लगता है, है। इसलिए कंफ्यूज मत करिए मैं दर्शकों को, एक एक करके बोलिए। देखिए पहले इन्हें खड़गल जी अपनी बात इन्हें कंप्लीट करिए। हाँ इन्हें देखिए कहा गया था, इन्वेस्टिगेशन, एक सेकंड एक सेकंड, गोपाल जी एक मिनट रुक जाइए ना आप। हाँ जल्दी जो बोलिए। अडानी इन्वेस्टिगेशन थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था विद इन 2 महीने इसको कंक्लूड किया जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इतना सवाल कर रहा हूं, आप कन्वीनियंटली चीजें रख रहे हैं और जो चीजों को रखना नहीं चाहिए। खड़ियाल जी, तो इसमें कोर्ट लेगा ना नोटिस की भाई 2 महीने में किया नहीं किया, ये वाला इशू रिलेवेंट है। देखिए 24 में से 23 की जांच हो चुकी है, और जो आखिरी वाला बाईस उसकी की तेईस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की वाली नहीं, है, बाईस की, 22 की हुई है, 23 22 की के। हुई, हाँ 22 की हो उसमें गई जो है, ऑलमोस्ट का, सुनो ना 23 एक मिनट, की हुई। ये चिंता कांग्रेस की अगर है तो कोर्ट से पूछे कि भाई आपने इनसे क्यों नहीं लिया अब तक, इसमें ही क्या, ये कोई इशू नहीं है जो मेन मुद्दे पे आई है। नहीं, बात यह है साहब कि हाँ अगर आपके ऊपर एलिगेशंस हैं और आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं फॉर द टाइम बीइंग कि आपको स्टेप असाइड नहीं करवाना एलिगेशन चाहिए, किसके हैं? क्या एक मिनट सुन लीजिए, उन्हें रिजाइन करवाइए जब तक वो निर्दोष नहीं पाए जाते। नहीं वो आप दोषी कैसे, आप कैसे कह सकते हो दोषी है बताइए। मैं कहा कह रहा हूँ राहुल दोषी है, गांधी मैं को तो कह रहा हूँ रिजाइन दो, अरे करवाइयो आपने अभी मैं, कर रिजाइन करवाए, क्यों रिजाइन करवाए, वो जब तो तक क्यों क्यों रिजाइन रिजाइन, करवाए, एक सुन सेकंड सुन लीजिए, लीजिए, हमने हमने एक एक सेकंड सेकंड सुन सुन लीजिए, लीजिए, सुन सुन लीजिए 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 ब्रदर, सुन ब्रदर। लीजिए, नहीं हमने राहुल कहा गांधी है तो प्रो बेल ऑफ पे है, करवाई बेल पे है के, ना, प्रो ऑफ राहुल करवाई को गांधी तो बीजेपी, बेल पे है ना, सुनिए ना बेल आप पे तो सुनिए, करके गोपाल जी एक आप मिनट प्लीज उनको मैं कर रहा हूं ना सर, उनको बोलने फिर आप ही के पास जवाब देना आपको। हाँ देखिए बोलिए। ऐसा है कि हमने एक सिंपल सी बात कही है कि आप जज ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर मत बनिए भारतीय जनता पार्टी को, आप क्लीन चिट देने वाले कोई भी नहीं है, ना आपके पास आधार है ना आपकी ज्यूरिसडिक्शन है। हमने ये कहा है कि जेपीसी प्रोब करवाइए, जब तक कंक्लूड नहीं होती जेपीसी प्रोब, आप उन्हें इंश्योर करवाइए कि वो स्टेप असाइड करे, रिजाइन करे, जब तक वो ठीक निर्दोष नहीं ठीक पाए ठीक जाते। ठीक पॉइंट। हाँ गोपाल जी अब जवाब दीजिए। देखिए हमें कह रहे हैं कि आप जज और प्रोसिक्यूटर और वो तीनों मत बनिए, ये कैसे बन गए ज्यूरी और डीसीसीबी का एग्जीक्यूशनर, चेयरमैन? प्रोसिक्यूटर अरे नहीं, आप ज्यूरी किसके बेस पे? नहीं आप और मुझे पहले मुझे एग्जीक्यूशनर। अर्शप्रीत, अरे दादा यार आप लोग प्लीज यार ऐसे मत करो यार, एक एक शब्द पकड़ के आपस में एक दूसरे के मजे मत लो प्लीज, ठीक है, सीरियस बात है, सुनो ना। हाँ हाँ गोपाल जी बोलो। अब अरे ये आदतें कैसे चली गई थी मुझे अच्छे जज और प्रोसिक्यूटर और सब बन गए? ये से, इससे कोई चेयरमैन बात को इन्होंने कह दिया, हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, हिडनबर्ग ने जो कहा जिसके ऊपर सेबी ने क्लेरिफिकेशन दे दिया, उस पे ये कह रहे नहीं। हैं कि सेबी चेयरमैन कल्प्रिट है, और इनके नेशनल हेराल्ड में राहुल गांधी और सोनिया अरे गांधी जो इंक्वायरी से बेल इतना पे डर क्यों घूम रहे रहे हैं आप, हैं और इंक्वायरी वो करवा लो एल ओ इतना पी डर बन क्यों रहे गए। आप, इंक्वायरी से भाग क्यों रहे हैं आप, इंक्वायरी से कौन भाग रहा है? इंक्वायरी तो कर दी करवाइए है, इंक्वायरी, तो करवाइए कर दी है इंक्वायरी, ना, प्रोब करवाइए, कौन जेपीसी करेगा? आप करेंगे? करेगी, जेपीसी करेगी। जेपीसी को? अरे तो जब सेबी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मतलब देश के संवैधानिक संस्थाओं में किसी में आपका विश्वास नहीं है, आप ये बोल आप दीजिए, ऑन रिकॉर्ड कह हमें सकते देश हैं कि के उन्होंने नहीं प्रजातांत्रिक इन्वेस्ट किया, संस्थाओं पे, आप ऑन आप रिकॉर्ड, बोल आप दीजिए। ऑन रिकॉर्ड कह नहीं तो दीजिए कि उन्होंने राहुल इन्वेस्ट गांधी नहीं ने, किया, राहुल गांधी ने क्यों आप ऑन पैंतालीस रिकॉर्ड करेंगे कि उन्होंने इन्वेस्ट नहीं आप किया, 1 करोड़ का क्यों शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर आप रखा है ऑन राहुल गांधी रिकॉर्ड ने? कहेंगे कि उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, ऑन रिकॉर्ड कह दीजिए।
आप बोल दीजिए राहुल गांधी ने कितना शेयर में इतने प्रॉफिट। अरे साहब भाग क्यों रहे हैं मुद्दे से, भाग क्यों रहे हैं तो आप भाग रहे हो 344 करोड़ के प्रॉफिट में इंडियन बैंक के। आप ये बताइए उन्होंने इन्वेस्ट किया कि नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ राहुल गांधी का प्रॉफिट में। ओके अब आप लोग थोड़ा सा जो है रुकिए, बताइए कितना। दोनों लोग रुक जाइए सर, अब आप लोग दाएं बाएं जाने लगे, अभी पॉइंट पे लौटते फिर थोड़ी देर सुनिए, अभी दूसरों को भी सुनिए। सदानंद जी के पास चलते हैं। सदानंद जी, जो सेबी चीफ ने माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच जी ने जो रखा है वो मैं पढ़ता हूँ दर्शकों के लिए, कि जब उन्होंने जो रिपोर्ट में एक फंड का जिक्र किया 2015 में जिसमें इन्वेस्टमेंट था, वो उनके सेबी चीफ बनने से 2 साल पहले की बात है। और वो इसलिए किया था कि एक अनिल अहूजा नाम के व्यक्ति थे जो काम करते थे, उनके कहने पर किया था, जो कि उनके चाइल्डहुड के फ्रेंड थे उनके हस्बैंड के। उस फंड ने अदाणी ग्रुप में निवेश ही नहीं किया जिस फंड का जिक्र हो रहा है। प्लस फिर जो दूसरा आरोप है, एक फंड वाला आरोप है, फिर दूसरा एक फंड का आरोप है कि ब्लैकस्टोन में उनके हस्बैंड नौकरी करते हैं इसलिए रीट्स को हो सकता फ़ायदा पहुंचाया हो। तो उनके हस्बैंड जो नौकरी वहां पे कर रहे हैं वो सेबी चीफ बनने से पहले वहां ज्वाइन कर चुके थे और वो रियल इस्टेट वाले वर्टिकल से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काम कर रहे थे। फिर एक तीसरा कि सिंगापुर की जो शेयर होल्डिंग कंपनीज हैं उसमें माधवीपुरी जी के जो स्टेक थे वो डॉर्मेंट हो गया था, बाद में उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, तो चूंकि सेबी चीफ बनी थी ट्रांसफ़र करना ही था। और ये सारी चीज़ें सेबी को, आईटी को, सबको फुल डिस्क्लोज़र के साथ उन्होंने दिया। तो इंडिविजुअली भी उन्होंने अपनी बात बताई है और सेबी एज एन इंस्टीट्यूशन भी उसने यही बताया कि ये सारे डिस्क्लोज़र हमारे पास थे। सदानंद जी, आपको लगता है कि एक जो बिग पिक्चर निकल के आ रही है कि एक टूल किट का हिस्सा हो सकता है या फिर इस मामले को और तह तक जाने की जरूरत है? आपका व्यू सर। नीरज जी, आपको, सभी पैनलिस्ट को और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, इस पूरे मुद्दे को ढंग से समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि जिस बात को हम, इसमें एक मुद्दा आ रहा है कि डिस्क्लोजर। मैं एक पॉलिटिकल एंगल देता हूं और फिर मैं आपके सवाल पे आता हूं। राहुल गांधी साहब लीडर ऑफ अपोजिशन है पार्लियामेंट में, क्या कांग्रेस ने यह डिस्क्लोज किया है कि चाइना के साथ उनका क्या एग्रीमेंट है? वो तो भारत के एडवर्सरी है ना, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता है चाइना। राहुल गांधी क्यों नहीं डिस्क्लोज कर रहे कि उन्होंने चाइना के साथ क्या एग्रीमेंट किया, जॉर्ज सोरोस के क्या एग्रीमेंट किया, क्या उनकी बातें हुई? वो तो राष्ट्रीय हित की बात है, चलो ये तो एक शेयर कंपनी की बात, ये डिस्क्लोजर क्यों नहीं करते हैं? अगर इनको इतनी चिंता है डिस्क्लोजर की तो घर में चैरिटी बिगिंस एट होम, करें ना अपना डिस्क्लोजर कि चाइना के साथ क्या एग्रीमेंट साइन किया था इन्होंने। अब आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, कल को चाइना भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचता है तो क्या हम बोलेंगे कि राहुल गांधी लीक कर रहे थे उनको सारी जानकारी थ्रू एग्रीमेंट? क्या बदतमीजी होती है यहां पे इस तरह के आर्ग्यूमेंट करके। सवाल इस बात का है, मैं भी एक्सचेंजेस के बोर्ड पे रहा हूं, हर 3 महीने में डिस्क्लोजर होता है इन राइटिंग, 4 पेज सबमिट करने पड़ते हैं, कौन कौन से शेयर्स हैं, कौन है, जो लोग शेयर मार्केट से ऑफिशियल्स, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स, एम्प्लॉयज, कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। और जहां तक बात है कि भाई आप जिसको आज चेयरमैन बना के लाए, मैं आपके सामने 3-4 एग्जांपल रख रहा हूं नीरज जी, आप पूरी जिंदगी एक बहुत बढ़िया प्रोफेशनल रहे, आप बैंकर रहे, आप फाइनेंशियल इन्वेस्टर रहे, आपकी काबिलियत देख के मुझे लगा यार इस आदमी की मुझे सर्विसेज चाहिए हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट को सुधारने में। अब आप कहेंगे कि साहब आपने पिछले जन्म में, पिछले जॉब में आपने यहां इन्वेस्ट किया, वहां इन्वेस्ट किया, तो क्या वो खाली बैठा रहेगा? क्या आपने उसको गारंटी दी थी कि मैं आपको सेबी का चेयरमैन बनाऊंगा 10 साल बाद और आप तो आज के बाद कुछ नहीं करेंगे? ये किस तरह की बात कर रहे हैं? मैं इसका पैरेलल एग्जांपल देता हूं, आप वकीलों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बनाते हैं, क्या वो वकील से लेंगे कि आप बताइए आज से पहले आपने कभी झूठ नहीं बोला था, अब आप जज बन के हम कैसे गारंटी ले कि आप सच बोलेंगे? आज से पहले आपने किसी भी एविडेंस को मैनिपुलेट नहीं किया था, ये कोई डिक्लेरेशन लेता है जब आप जज बनाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के? आपका एक प्रोफेशनल है, आप उसमें अपनी बेस्ट सर्विसेज देते हैं, आपकी काबिलियत देख के आपको जज बनाया गया, आपको सेबी का चेयरमैन बनाया गया, आपको बैंकों का चेयरमैन बनाया गया, आपको लेटरल एंट्री में ब्यूरोक्रेट बनाया गया, आपको एक्सपर्ट कमेटीज में रखा गया, तो आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जितने लोग की पोजीशंस पे हैं वो पूरी जिंदगी कुछ ना करें, डम की तरह बैठे रहें,
कोई एक्सपर्टाइज का कंट्रीब्यूशन अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में ना करें और हम ऐसे डम लोगों को लाके की पोजीशंस पे बैठाएं और बाद में हम इसका मुद्दा उठाएं, आपने डिस्क्लोजर नहीं किया पिछले जन्म में आपने क्या किया था। अरे भाई जैसे ही आपने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जहां जहां पे भी मेरे कंफ्लिक्ट इंटरेस्ट थे मैंने सबसे रिजाइन किया, मैंने किया, मैं भी जब बोर्ड पे आया। अब आप मेरे से कहोगे कि आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, बिल्कुल किया, उसका डिस्क्लोजर हर 3 महीने में इन डिटेल होता है, उसमें रिस्ट्रिक्शन है कि आप शेयर खरीदेंगे तो 6 महीने तक बेचेंगे नहीं, हर 3 महीने पे डिक्लेयर। जब आपको पता ही नहीं है कि की पोजीशंस के अपॉइंटमेंट और डिस्क्लोजर कितने टफ हैं और कितने डिटेल्ड हैं, सिर्फ शोर मचाना, तो राहुल गांधी जी सबसे पहले चाइना का एग्रीमेंट डिस्क्लोज करें ना, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, चैरिटी बिगिंस एट होम, करेगी कांग्रेस सारे डिस्क्लोजर, आ जाओ सामने जी। अच्छा ये दोनों ने अपने इस रिबटल में ये भी बताया कि उन्होंने सिर्फ भारत में नहीं सिंगापुर में भी डिस्क्लोजर किया, क्योंकि काफ़ी समय तक वो सिंगापुर में रही और जो कंपनी की बात हो रही है वो सिंगापुर में, और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस तरीके की जो की पोस्ट होती हैं जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशनल है उसमें अपॉइंटमेंट से पहले बहुत कड़ी जाँच भी होती है, सब चीज पता की जाती है कि कौन व्यक्ति है कहाँ है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये इन्वेस्टमेंट किसी को पता नहीं थे। नीरज जी मैं आपको एक बात बता दूं,